तो आइए आज हम सीखेंगे दोहरी गुणा करने का तरीका। क्या है? जब इकाई के अंक समान हों तथा दहाई के अंकों का योग 10 हो, इस तरह के हमें गुणा करनी है। हमने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ लिखा हुआ है 6 36। इसमें हम देखेंगे इकाई के अंक 6 दोनों समान हैं, दहाई के अंक 7 और 3 10 हो गया, यानी इन दोनों अंकों का योग 10 है। इसी तरह से इकाई के अंक समान और दहाई के अंकों का योग 10, 6 और 4 10, 4 4 समान है, दहाई के अंकों का योग 8 और 2 10, 9 9 समान है और दहाई के अंकों का योग 10 है। तो इन्हें किस तरह से करेंगे? आपको दोहरी गुणा नहीं करनी है, आपको सिंगल में ही काम चलाना है। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह से गुणा नहीं करनी है, हमें बहुत जल्दी से इसे सिंगल गुणा में दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले हम इकाई के अंक में गुणा करेंगे, 6 की गुणा 6 में करेंगे, 6 6 36 पूरा हमने लिख दिया। उसके बाद दहाई के अंक की दहाई के अंक में गुणा कर देंगे, 3 7 21। उसके बाद हम ये इसमें ऐड कर देंगे, 3 7 21 और 6 27 आ गया उत्तर। बहुत ही मज़ेदार है, इसको भी इसी तरह से करेंगे, 5 5 25 पूरा लिखना है, हमें कोई हासिल नहीं लगाना यहाँ। उसके बाद दहाई की दहाई में गुणा करेंगे, 6 6 24 24 और 5 29। उसके बाद 4 4 16 2 8 16 16 और 4 20। उसके बाद 9 9 81 पूरा लिखेंगे और 5 5 25 और 9 34। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं, समय भी कम लगेगा, इसके लिए हमें कोई दोहरी गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, इसमें भी हमको यही करना है, 2 2 4 6 6 24 24 और 2 26। लेकिन आप यह देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब हमारा उत्तर केवल एक ही संख्या में आए तो हम क्या करेंगे, उससे पहले 0 लगाएंगे, यानी दो अंकों की संख्या बना के उसको लिखेंगे। जैसे 3 3 9, तो 9 को हम किस तरह से लिखेंगे, 0 9। 1 9 9 9 और 3 12। उसके बाद 1 1 1, इसको भी हम 0 लगा के लिखेंगे, 3 7 21 और 1 22। 2 2 4, इससे पहले भी हमें 0 लगाना होगा, और 8 2 16 और 2 18। तो ये देखा आपने, बहुत ही आसान तरीका, आप बहुत कम समय में दोहरी गुणा निकाल सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आप सभी को धन्यवाद।